हाँ जसलीन, हाँ जी ये ना बार बार हैंग हो रहा है मेरा ये लैपटॉप। मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम है जूम का, मुझे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसमें। उसका रीजन ये होता है कि अगर वो साथ में फाइल कन्वर्ट करने लग जाएगा, उस वजह से भी स्लो जा रहा होगा। नहीं फाइल कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पहले तो लगातार चल रहा था, लेकिन अब पिछले दिनों कुछ इसमें आया था इस वाले जूम के लिए ना, वो कह रहा था ये करो वो करो, तो मुझे लगा कि इसने कुछ अटका दिया है, दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को। चलो, भी तो बात चल रही थी गुफा में चलने की, आप रुक तो सकते ही नहीं हो, पीछे वाला ठेलता रहेगा, आगे चल और सब आगे वाले को ठेलेंगे, तो रुकोगे कैसे? कौन है पीछे वाला? इससे हम तो अकेले ही है ना। अरे समझ नहीं रहे, सब अकेले चल रहे हैं ठीक, लेकिन जो आगे वाला रुक जाएगा पीछे वाला धक्का मारेगा, भी चला आगे रुक क्यों गया, मुझे भी तो चलना है, और जगह है नहीं साइड में से निकलने की, इतनी हाँ सकरी है गुफा ये कि चलेगी। तो ये जो कलेक्टिव है ना, ये कलेक्टिव को ऐसे मानो कि ये कलेक्टिव ऐसी है एक सकरी गुफा जैसी है, सब कन्वॉय में लाइन में चल तो रहे हैं एक दूसरे के पीछे, ठीक है, पर रुकने का कोई चांस नहीं है, कोई रुकने नहीं देगा। अब जैसे मान लीजिए इस गुफा में चलने वाले 100 लोग हैं मान लो, और सबको मुहाने के पार जाना है, तो जो चल तो रहे हैं सब साथ ही तो चल रहे हैं, सामूहिक रूप से साथ ही तो चल रहे हैं, ठीक है। अब कोई रुक गया तो पीछे वाले कहेगा टैप करके, भैया चलो आगे, रुक गए हो तो मैं, मेरे को भी रुकना पड़ रहा है, चलो 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 आगे चलो आगे, तो इस चक्कर में सब धकेलते ही जा रहे हैं आगे को एक दूसरे को। तो ऐसी है ये कलेक्टिव। और जो चल रहे हैं जो लोग हैं, और धीरे धीरे गुफा में और भी लोग चलते जा रहे हैं, और भी लोग चलते जा रहे हैं। अब कुछ लोगों को तो आप जानते हो ये जो चल रहे हैं, कुछ लोगों को तो जानते ही नहीं जो पीछे चल रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है वो पीछे चलने वाले कौन लोग हैं जिनको आप नहीं जानते। वो लोग हैं जो बिल्कुल YouTube पे हैं, YouTube पे आप लोगों के वीडियो का आनंद ले रहे हैं, वो पीछे चलने वाले हैं। जो हम तो आगे चलेंगे भाई। और अगर आगे वाले चल रहे होंगे और आप रुक गए, तो YouTube वाले जो पीछे चल रहे हैं वो आपको ठेलेंगे, कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज आ जाएगा कि चलो, तो चल दोगे आप। अब कमेंट बॉक्स में जो मैसेज आते हैं, आप रुकना चाहो तब भी नहीं रुक पाओगे, चलना ही पड़ेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात जसलीन, बत्ती जली नहीं आज्ञा में, चल रही है जल गई। मुझे कहीं नहीं डिमर वाले बटन पे हाथ तो नहीं लग गया था कि डिम हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। बाकी आप बता दो नहीं थी मतलब जल गई ना, जिससे समझ में आ जाए ये बात। हाँ आ ही रहा है, सब समझ में आ रहा है कि छूट नहीं है तो YouTube पे जो देख रहे हैं ये वाली बात, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सब लोग भी ये समझ लो आप भी इस कन्वॉय में शामिल हो। और एक आश्वासन आप सबको देना है कि ये कन्वॉय रुकेगा नहीं, शरीर के साथ भी चलेगा, शरीर के बाद भी चलेगा, तो आते रहना पीछे, चिंता मत करना, ये कन्वॉय चलता ही आप रहेगा। और जो इस मुहाने के पार चले जाएंगे, वो पार जाने के बाद गुफा वालों के लिए अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे कि देखो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने आप ही शेयर करते रहेंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ऐसी व्यवस्था कर रखी है शेयर करने वालों के लिए कि पूरी गुफा में आवाज सुनाई देगी।
जो मुहाने के पार गए हैं उनकी आवाजें सबसे पीछे चलने वाले पे भी आएगी। इसे ऐसी समझ लो, एक टनल है और टनल में जाए जा रहे हैं लोग, पीछे से आए जा रहे हैं, आगे जाए जा रहे हैं, ऐसे समझ। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब तक तो। जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था ये कलेक्टिव है क्या, तो आज तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब समझ में आया ना कि कलेक्टिव है भी पर इंडिविजुअल यात्रा है। चल अपने ही पांव से रहे हैं, कोई दूसरे का पांव नहीं लगा रखे हमने। इतना जरूर होता है किसी के पाँव में थोड़ी तकलीफ होती है तो पीछे चलने वाला थोड़ा सहारा दे के चला लेता है, और आपसे आगे चलने वाला भी पकड़ लेता है, तब चल जाते हो ना। अगर आप गिरने भी वाले हो तो पीछे चलने वाला दोनों हाथ लगा देगा आपकी कमर पे, गिरने नहीं देगा। और कहीं गड्ढे में भी चले गए गलती से तो आगे चलने वाला आपका हाथ पकड़ के खींच लेगा, गड्ढे से बाहर निकाल देगा। तो ये कलेक्टिव है, इंटरेस्टिंग है ना। बहुत मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके, जो अभी आपने बोला ना, ये हॉस्टलों की बात किया ना, कि ये बहुत ही आनंद, मतलब यहाँ पे कोई गिरने नहीं देगा, तो इसपे मैं ना कुछ दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। इस हॉस्टले पे और अकेले रहने में क्या फायदा होता है उस पे, अगर भाई आप सब में? बिल्कुल सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ठीक है, कि अभी जो हम सहज की जिस यात्रा पे है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि हमें पूरी एक एनर्जी की आसमां मिल एक रही मिनट है। आयशा, तुम अंतर ध्यान कहाँ हो गई, सामने आके सुनाओ। वो ना लगता है उससे नोटपैड ओपन किया होगा। तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना। यस, हाँ ये सही बोला जस्ट लेने के, मैंने नोट मोबाइल में है ना, तो उसे ऑन किया। कोई बात नहीं, नोटपैड के साथ भी सुना सकते हो। ये तो फोटो चली जाती है ना उससे। हाँ, अच्छा कैसा मेरी आवाज आ रही है आ रही है, आ रही है। तो सुनिएगा, कि आसमा मिल गया अब निशा देखिए, कि आसमा मिल गया अब निशा देखिए, मेरे ख्वाबों का सारा जहां देखिए, रहमतों का बसेरा लगा है जहान, रहमतों का बसेरा लगा है जहान, है खुदा आजकल मेहरवा देखिए। और आगे है कि चलते चलते कभी मैं भी थक भी गई, हौसलों का हंसी कारवा देखिए, याद आते नहीं टूटे रिश्ते कभी, याद आते नहीं टूटे रिश्ते कभी, जिंदगी का अकेला मका देखिए, आसमां मिल गया निशा देखिए। ओके, वाह वाह वाह, क्या सार्थक कविता है भाई, गजब, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। क्योंकि ये जर्नी ऐसी है ना, कि अब अकेलापन भी ऐसा लगता है पूरी जहां मिल गई है। ये बात तो सत है कि पूरी जहां मिल गई, सारा आपका पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवा में मौजूद है। एट योर सर्विस, होल यूनिवर्स इज जी, एट योर सर्विस। और एक और मैं सुनाऊंगी, कि इसके पहले जब हम अपने हृदय में सारी बातें दबा के रखते थे ना, मतलब कि अपने सारे पीड़ा दर्द को दबाते थे, तो कैसा लगता था, वो हमें कैसे चुभते थे, उस पे दो लाइन सुनाऊंगी। ठीक, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। ओके। एक सेकेंड, कहाँ काम चला मरती गया। बिजली पता नहीं।
नहीं मैं यही भी हूँ, और मैं सर कहाँ पे मैंने रखा था भूल गई। क्या हुआ आयशा? अच्छा ओके, या आ गई तो सुनिएगा कि जिगर में है दबी बातें छुपाने में नुकीली है, जिगर में है दबी बातें छुपाने में नुकीली है, हाँ नहीं कहीं जी, हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। ठीक है। कहीं हो जाओ ना घायल, जताने में नुकीली है, मोहब्बत की कहानी में बने हैं ताज भी मांझे, मोहब्बत की कहानी में बने हैं ताज भी मांझे, हथौड़े की मगर चोटे मिटाने में नुकीली है, हथौड़े की मगर चोटे मिटाने में नुकीली है पड़ता फर्क अब किसको, किसी के मरने जीने से है पड़ता फर्क अब किसको, किसी के मरने जीने से, फरेबों से भरी नजरे आवाज कहाँ से भूल गई? बोलो जमाने में नुकीली है, फरेबों से भरी नजरे जमाने में नुकीली है, जिगर में है दबी बातें छुपाने में नुकीली है। क्या बस बहुत ही खत्म? सार गर्भित बातें कह दी तुमने, बहुत गहरी और सच्चाई जो लगभग हर एक के साथ बीतती है वो तुमने जुबान पे ला दी अपनी। वाकई बड़ी नुकीली सी है, उनका करो भी क्या, निकालो तो लगे, छुपाओ तो लगे, चुभे ही तो चुभे। पर लगे चुभे ही चुभे, इसलिए निकालने में भी चुभे इस और हटाने में भी चुभे, दोनों ही मुसीबत है। पर एक काम है ना, उन कीलों पे एसिड डालकर गलाया जा सकता है, ना निकालने की जरूरत ना छेड़ने की जरूरत। एसिड डालो शस्त्रार से और सारी गल जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी वो हाँ, कील। तो इसी रूप से तो गलाया गया था इस नुकीले कीले को, और अभी भी हाँ बहुत सारी उसकी जो ऊपर की जो रह जाती कीले, जब अंदर जाती तो ऊपर की छतरी रह जाती है ना, वो कहीं कहीं दिखती है, तो फिर अभी वो प्रोसेस चल रहे हैं। जितने भी शार्प एजेस हैं अंदर वो सब तो अब खुट्टल हो चुके हैं, ब्लंट हो गए हैं, अब लगते नहीं हैं, अब धीरे धीरे वो अपना अस्तित्व खोने जा रहे हैं। और बहुत सारे तो नष्ट भी हो चुके हैं, जो कीले पड़ी थी अंदर लेफ्ट आज्ञा में। नहीं अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, मनुष्य की उसे लेफ्ट आज्ञा की कीले चुभती हैं तो दूसरों को भी चुभा देता है, क्या करे, मजबूरी है, उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं अब शुरू शुरू में बहुत सारे बिल्कुल लोग जुड़े तो सबसे पहले उन्होंने कीले ही निकाली और सारी गलानी पड़ी। नहीं सब गला और दी। वो सारे कीले ना हम कभी कभी खुद जानबूझकर अपने आप लगाते हैं कि वाह कितना मजा आ रहा है, तू मेरे साथ रहो, जब हम अवेयर नहीं होते हैं तो इस चीज के प्रति, बाद में पता चलता है ये बहुत चुभती है, इसे निकालना पड़ेगा, ऐसा ये बिल्कुल लाइफ लाइफ की जितनी जर्नी की है वो कीले हैं ये सारी। हाँ, सबको गलाना पड़ेगा, निकालो या ना निकालो, कीलों को गलने दो,
हाथ लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप गल जाएंगी। जो ये सप्लाई चल रही है ना एसिड की शस्त्रार से, ये सारा गला के खत्म कर देगा, सारे कांटे कीले पत्थर सबको नष्ट कर देता है ये, और अंदर से हृदय को निर्मल कर देगा। निर्मल, मलिनता खत्म हो गई, क्योंकि मन की मलिनता का प्रभाव ही हृदय पर आ रहा था। हृदय के चारों तरफ क्या है, मन की मलिनता थी। अब जो एसिड आया उसने सब धो दिया, अब मन निर्मल हो गया, मलिनता नष्ट हो गई हृदय की, आनंद आनंदित हो गया हृदय। तो आनंद ही निकल रहा है। अब देखो ना, आयशा की सारी कीले गली तब जाकर आवाज निकली है, सारा घटनाक्रम तभी बता पाई आयशा। जब चुप रही थी तो कैसे बताती, आवाज ही रुंधी हुई थी, चुभन में आवाज रुंध जाती है ना, बता ही नहीं पाता है। और जब कंटक वंटक सारे निकल लेते हैं तो ही गला खुलता है, तब जाके कुछ बता पाता है कि हाँ भाई चुभन बहुत थी, तो बस यही थी कहानी। क्यों ऐसा? यस यस राइट, क्योंकि हम चुभन के दर्द में पीड़ित रहते हैं तो हमें सच में आवाज नहीं निकलती, हमें सहारा चाहिए होता है, कोई तो हो मेरे इस दर्द को गलाए, कोई तो हो जो मेरे दर्द को दूर करे, और और गलाने वाला, उसी और गलाने वाला कह रहा होता है, अरे मैं तो हर पल तेरे साथ हूं, तू महसूस तो कर। तो हम उस समय महसूस कर रहे होते अपने दर्द को, इसलिए उस माँ को महसूस ही नहीं कर पाते जो हमें खुले बाहें पसार कर अपने आलिंगन में भरने के लिए तत्पर होती है। बट हम ही मूर्ख होते हैं ना, कि हम उनकी बाहों को ना देखकर आम जनों की बाहें देखते हैं, कि कोई तो मुझे सहारा दे दो, मुझे सिंपैथी दो दे, ऐसे वाला डाल कटोरे में थोड़ी सहानुभूति डाल दो ना, अल्लाह के नाम पे दे दे थोड़ी दो ना। सहानुभूति, देख अपना कितना रोना रोना बताया है मैंने, कुछ तो सहानुभूति दे दे। पहले कटोरा लेके बैठे होते हैं, कोई रिश्तेदार सहानुभूति के तो दो टुकड़े डाल दे कटोरे में है? और मजा भी तो आता था ना, कि सहानुभूति मिल गया अब मेरे दर्द कम हो गए, लेकिन वो कम नहीं होते थे, वो हमें और बहकाते थे कि तुम ऐसी सहानुभूति दे देकर तुम बिगड़ जाओ और ये तुम्हारी हैबिट बन जाए। हाँ, ड्रग ड्रग एडिक्ट हो जाओ, सहानुभूति का हाँ ड्रग चाहिए। हाँ एडिक्ट। बिल्कुल। अब वो एक पुरानी फिल्म का गाना सा याद आ जाता है तुम्हारी इस बात पे, कांटों से खींच के यहाँ चल, है ना वो पुराना गाना? गाइड हाँ, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है ना वो गाना? कांटों यस से खींच के वो आंचल। आंचल क्या है हमारा जानते हो? कांटे तो तुमने एक्सप्लेन कर दिए, पर वो आंचल कौन है, कौन क्या है आंचल, वो जो खींच के बाहर निकाला उसे कांटों से? हमारी जो कंडीशनिंग है, संस्कार, कांटों में फंसे हमारा चित्त मन सारे उसमें फंसे रहते, मेन पॉइंट पे हमें आने नहीं देते। आंचल का आंचल किसको कहेंगे हम, चलो बताओ, कोई भी बताए। आंचल का एक नेप्ट आ नाम गया, है, नेप्ट आ गया, अटेंशन और पूरा जो हमारा स्कैटर्ड है, कभी किस पे कभी किस पे, अटेंशन अटैच और अटैच जीवात्मा, हमारे जीवात्मा और सहस्त्रार, अटैचमेंट, हृदय, हृदय, अटैचमेंट, और बता दे जाओ। वो जो चेयर होती है ना, म्यूजिक चेयर, कि जैसे म्यूजिक रुकता है वो बैठ जाते हैं भाई, जैसे ही क्लिक हो जाएगा फट बता दूंगा मैं, बताते जाओ। चेतना। एप्रोप्रिएट, विभोर भैया कहाँ गए? हमारी आत्मा, आंचल, हमारा आंचल है। चेतना और पता नहीं क्या। हाँ, अब तुम्हारे मुंह से निकल ही गया, पर श्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल सही बोला, चेतना। चेतना ही वो आंचल है जो कांटों में अटकता हुआ आ रहा है। तुमने आओ हाँ तुक्का मार के बोल तो दिया, पर वो है बेसिकली चेतना। तो कांटे कहाँ है? मन के अंदर।
चेतना कहाँ फंसी होती है? मन में। अधोगति की तरफ जाती है चेतना मन के कारण। पीड़ा होती है चेतना को कांटों के कारण, मन के जो कांटे हैं। और जब खींच के परमेश्वरी निकाल देती है आपको, तब आप ये वाला गाना गा रहे होते हो कि जब वो प्रक्रिया चल रही है कांटों से निकलने की, उस स्थिति के लिए गाना है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, कि डिसाइड कर लिया है चाहे कांटों से घायल हो कुछ भी हो, पर भैया हम तो निकल के मानेंगे। हमारी जो आंचल है छूटेगा अभी, तो हमारा आंचल है चेतना जो अटक जाती है, बार बार अटकती हुई चलती है, कहीं उसमें फट भी जाती है, आंचल फट जाता है ना कभी कभी। और आंचल किसका है ये? इस आंचल से हम किसे ढकते हैं? चलो ये बता दो, चेतना रूपी आंचल किसको ढकती है? जीवात्मा को। करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर पूजा, परफेक्ट आंसर। जीवात्मा को हमारा ये आंचल ही ढकता है, और यही आंचल लटक जाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। जीवात्मा को तकलीफ होती है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी कांटा भी लग जाता है इसको। है ना इंटरेस्टिंग बात? गाने जिसने बनाए लिखे होंगे भैया, कितना ज्ञानी होगा वो भाई, कमाल है। 50 साल पहले गाने लिखे गए, कितने जागरूक होते होंगे ये लोग, जो परफेक्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिए होते। ये गाने फिल्माए तो अलग तरीके से जाते हैं, पर जो लिखे जाते हैं वो तो बहुत गहरे होते हैं। ये सारे जीवात्मा के लिए, आत्मा के लिए लिखे गए सारे गाने, बहुत ऊंचे दर्जे के जो लिखने वाले रहे हैं, गाने जो लिखते थे, तभी तो पुराने गाने में बड़ा मजा आता है। आज जो गाने आते हैं ऐसा लगता है कि ये गाना है कि सरदर्द है, आज ऐसा लगता है। कुछ है भी आज ये ऐसी कूड़ा कबाड़ परोस रहे हैं संगीत के नाम पे। तो सार्थक होने चाहिए ना, एक एक अल्फाज में एक मतलब छुपा होता है उसमें। आज तो ऐसा लगता है जैसे, मतलब गाने आजकल के जो होते हैं ना, ऐसा लगता है कोई रैंक रहा है, रैंकने वाले, जैसे गधा रैंक रहा हो। कभी देखो ना, ऐसे रोने रोने वाले से गाने होते हैं, दुखी से, पीड़ा से रैंक रहे हैं। एक सही सुर चलेगा उसमें, उसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं आने का। कई बार जो लगा लेते हैं, मैं कहूँगा भाई क्या लगा लिया यार, ये सर में दर्द हो रहा है, घुटन सी हो रही है हार्ट में, क्या लगा लिया। जैसे कभी गाड़ी में कोई साथ में जा रहा है, उसने कोई गाना लगा लिया, तो क्या यार रैकने वाले गाने हैं, इसमें कुछ हृदय तो आनंदित हो ही नहीं रहा। और उस रैकन के पीछे इतने दीवानगी है, एक तो रैकना और दीवाने इसके भी, कमाल है। फिर इनका क्या हाल होगा? गाने वाले तो चलो बुरी हाल में है ही, और सुनने वाले तारीफ कर रहे हैं इस रैकने की, तो मैं कहूँ हाय भगवान, इनका क्या दुर्दशा है, तो तारीफ भी कोई कर सकता है इस चीज की? और तब गौर करो ना, हृदय चक्र और सेंट्रल हार्ट और उसमें सारे चक्र हमारे क्या बोल रहे हैं उस रैकन के पीछे। आई एम सॉरी जो आज के गाने सुनता है भाई, सच्ची बता रहा हूं मैं तो। मैं तो अपनी कहानी बताऊंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपने लिए महसूस कर रहा हूं कि यार ये तो नहीं झेला जाएगा। एटलीस्ट कुछ सहजी साथ में गए हैं तो उन्हें समझ में आती है ये बात मेरी है। कभी कभी जाना आना हो जाता है। तो आयशा, तुमने बहुत सुंदर बात बताई है, और तुम्हारी बातों को सुनकर ना, जो हमारे सहजी YouTube पे सुन रहे होंगे, उन्हें कितना राहत और कितना आनंद सा आएगा और कितना संतोष महसूस होगा। अच्छा, ये भी कांटों से चुभन से गुजर रहे हैं, हम भी गुजरते हैं, तो चलो मिलेगा कि हाँ अब ये गुजर के आए हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो उन्हें राहत है, उन्हें एक विश्वास भी हो गया कि चलो सही चल रहे हैं, फिर तो सही चल रहे हैं और ये चुभन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों के अनुभव बहुत बेशकीमती होते हैं, आपको मालूम नहीं है, जो भी आप शेयर करते हो
वो अमृत तुल्य है, अमृत अन्य लोगों के लिए अक्सर। अच्छा चलो, हमने पार ब्रह्म परमेश्वर की धड़कन की बात की थी, तो माँ आदिशक्ति की धड़कन क्या है भाई, बताना। आदिशक्ति की धड़कन क्या बोलोगे? भैया हमारी कुंडली नहीं। धड़कन? वो धड़कन थोड़ी है, वो तो अंश है। अब तुक्का कोई नहीं मारेगा। हम माँ के बच्चे भी, माँ के बच्चे हैं हम। हाँ वो तो यकीनन है, पर धड़कन कहाँ है? अब एक माता होती है, उसके बच्चे होते हैं, पर माता की धड़कन तो बच्चे नहीं होते ना। भाई बच्चे तो सर हर माँ के हैं लगभग, तो धड़कन अलग है, बच्चे अलग है। हाँ माँ बच्चों को अगाध प्रेम करती है, नो डाउट, पर धड़कन क्या है? पार ब्रह्मी है भैया, है पार ब्रह्मी है धड़कन, क्या पार ब्रह्म पार की ब्रह्म? धड़कन, आदि शक्ति भी तो आदि शक्ति की धड़कन भी हुई हुई। नो नो नो, माँ आदि शक्ति जब हमें महसूस होती है तो हमारा सहस्त्र बहुत खिल जाता है, तो सहस्त्रार धड़कन हो सकती है आत्मा सहस्त्रार, क्योंकि यार दोनों क्या जगह हमारे क्या बात है दोनों। आयशा, क्या बात है, परफेक्ट आंसर। सहस्त्रार पे जो पल्पिटेशन है वो माँ की धड़कन है। ये और सहस्त्रार भी खिला हुआ, आयशा ने बिल्कुल सही बोला, खिला हुआ सहस्त्रार धड़कन है माँ की। माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है जब ये धड़कन शुरू होती है, इसी से तो जानते हैं कि माँ है, और कैसे जानोगे आप, कैसे जानोगे माँ है? इंटरेस्टिंग बात है ना, पार ब्रह्म की धड़कन माँ आदिशक्ति, और माँ की धड़कन सहस्त्रार खुला हुआ, खिला हुआ खुला हुआ सहस्त्रार, एकदम पता लगता है हाँ माँ है भाई, धड़कन से ही पता लग रहा है। नहीं हाँ खरीदने में भी पता चलता है, खरीदने हाँ में भी हृदय पता तो अगर आप देखें तो हृदय तो एक तरीके से एक रिसीवर है ना, जिसे चलता एक धड़क वहां रहा है और प्रकट यहाँ हो रहा है, एक ही बात है ना दोनों। है। जी सहस्त्रार जी हृदय एक ही है ना, अगर आप देखो सहस्त्रार के चारों तरफ गोलाई में क्या है, उसके बिल्कुल कवर करे हुए सहस्त्रार को हृदय ही है, तो सहस्त्रार हृदय तो लगभग एक ही टर्म मानी जा सकती है। जैसे सहस्त्रार में कोई एक्टिविटी हुई तो उसकी अभिव्यक्ति हमारे हृदय में होती है ना, अच्छा तो वो वही चीज है, धड़कन है ये माँ की, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं, और माँ आदिशक्ति को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों चीजें आइडेंटिफाई होती है, उनकी धड़कन भी होती है, उनकी आदिशक्ति की उपस्थिति भी होती है। और ये सारा घटनाक्रम घटित हो रहा होता है तो आनंद कितना आता है, फुल अच्छा। माँ का चाइल्ड कौन है? हु इज द चाइल्ड ऑफ श्री माता जी? आदिशक्ति का, आदिशक्ति की संतान कौन है? बताओ बताओ, आनंद है भैया, आनंद है जब वो हृदय में फील संतान, होते। आई एम टॉकिंग अबाउट सन, संतान।
अरे हम अपने टर्म में देखे, हमने कौन सा श्री गणेश जी को देखा है, हम हमारे अंदर अनुभूति क्या है। संस्कार से हमें जन्म दिया है तो हम संतान। ये तो श्रीमान जी अगर शिवांश लेक्चर में ना बताती तो कैसे पता लगता आपको, बताओ। अगर लेक्चर ही ना दिया होता श्रीमाता जी ने, कोई लेक्चर ना दिया होता, आप भी होते और माँ भी होती, तो कैसे पता लगता आप संतान हो माँ की। सभी सभी, चाहे वो सहजी हो या नहीं हो, मैं अनुभूति अनुभूति किस चीज की। जिसमें श्री माता जी के गुण हैं। हाँ, एक तरीके से काफी सही है कि संतान कौन है जिसमें उनके गुण परिलक्षित हो। एकदम सही आंसर है। या हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं, एक प्रकाशित साधक माँ की संतान है। हाँ प्रकाशित, प्रकाशित कौन, जिसके भ्रम हाँ सहस दल कवल, सहस दल कमल जिसका खिला हुआ हो, वो माँ की संतान है। यूं तो माँ के सारे बच्चे हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार पाया, पर वो अभी बने नहीं है, वो चुने गए हैं, वो चुने गए हैं, बनना शेष है। बना कौन, जो प्रकाशित है। प्रकाशित कौन, जिसका सहस दल कमल की सारी पत्तियां खुली हुई हैं, वो प्रकाशित है। और कैसे पता लगेगा प्रकाशित है, ये तो लक्षण बता दो। हाउ वी विल डिटरमाइन, हाउ वी विल डिसाइड कि ये प्रकाशित है, कैसे पता लगेगा। जसलीन लास्ट सेशन आपके है ये, इट इज द लास्ट सेशन। और मेरे को पिछली बार वो के भी भेजना और इस बार के भी भेजना, बड़ी गड़बड़ हुई है इस बार भी, हालांकि कुछ ना कुछ अपलोड हो गए हैं, पिछली बार लेकिन फिर वाला भेज दिया। हाँ बताओ। ठीक, वो आनंदित होगा, ठीक है, सहस्त्रार भी हो सकता है। इंडिकेशन, सहस्त्रार और वो हृदय और पे उनका अनुभव प्रकाशित चेतना का। प्रकाशित होगा वो क्या होगा ना, यही आपने क्वेश्चन पूछा कि जो प्रकाशित चेतना होगी उसके क्या लक्षण है, पता यही कैसे आपने जो चलेगा ये प्रकाशित है, या जिससे औरों को भी प्रकाशित उसको करेगा। उसके हाँ गीता हिंट। बहन, ये परफेक्ट आंसर दिया है आपने। एग्जैक्टली वही प्रकाश जैसे आप दूसरों के अंदर भी आएगा, यानी कि सहस दल कमल जिसका पूरा प्रकाशित होगा, खुला होगा, उसके पास ये क्षमता होगी कि वो अन्य साधक साधिकाओं के भी इस अवस्था में पहुंचाने में माध्यम मदद बनेगा, कर, माध्यम बनेगा, सहायता नहीं करेगा, माध्यम बनेगा। जैसे आप कर रहे हो अभी। मैं क्या, पूरे विश्व में पता नहीं कितने लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। आप लोग कितनी अच्छी अच्छाइयां आपके अंदर है, हम सबके अंदर ना तो कुछ नहीं। फालतू बोलने वाले इंसान कभी ऐसा कर सकते हैं, तो बस एक स्पीकर चल रहा है। तो ये पहचान होगी, पहचान भी वही होगी, क्योंकि वैसे नहीं जान सकते आप। अब कोई किसी को मिले, आपको वाइब्रेशन आने लगे ना, वो बात नहीं, वाइब्रेशन तो और तरीके से भी आ सकते हैं, लेकिन उसी सेम इंटेंसिटी के साथ में दूसरे के अंदर भी वो बहुत सारी चीजें वैसे की वैसे ही घटित होने शुरू हो जाएंगी। और एक दिन आएगा सहस दल कमल प्रकाशित हो जाएगा, ओके पूर्ण सहस दल कमल जो है पूरा प्रकाशित होने के क्या लक्षण है, पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा, क्या समझते हैं हम। वो सत्य के लिए लड़ेगा, सत्य की राह दिखाएगा, और वही प्रकाशित उस 3 मिनट फुल्ली रह गए, बता डिटेच, दो फटाफट, 3 मिनट हैं केवल। फुल्ली डिटेच, फुल्ली विटेस्ट, पूर्ण प्रकाशित, ऐसे आनंद और प्रेम में रहना, निर्वाज्य प्रेम, शिवांश आनंद और वो फिर प्रेम। सारे आंसर तो आपके जैसे सबके सही हैं, लेकिन बहुत सारे आंसर हैं, चूंकि देते जाओ
लक्षण तो ढेर सारे हैं ना। पूर्ण प्रकाशित। देखो आपको टाइम जो बढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा 2.5 मिनट में। ना 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 जो भी हो अब आप, हो जाएगा, अगली बार इसे भैया एक्सपेक्ट आपने, कर पाएंगे। हाँ भैया आपने विमल, जो बताया था, जो गुफा का जो एग्जाम्पल बताया था कि हाँ टोकरा लेके चलते हैं, टोकरे में से चीजें गिरती जाती हैं गिरती जाती हैं, तो हाँ शायद वही एक लक्षण होगा जिसके टोकरे में कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा बिल्कुल वो। करेक्ट। विभोर तो ऐसे परफेक्ट आंसर दे रहे हैं भाई, मजा आ गया। और इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, जो टोकरे के गिरते सामान के लिए बिल्कुल वरीड नहीं होगा, ये लक्षण अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा मुझे कुछ अच्छा रहा लग रहा है एकदम है, थोड़ा लक्षणों से कुछ हौसला बढ़ जाता है ना, थोड़ा सा बेटर, बॉर्नविटा काम कर रहा है है ना। विभोर गिरता इज अ गुड बॉय, न्यू चाइल्ड इन द विभोर को, क्लास विभोर ने तो पूरा अच्छे से चैप्टर का घोटा लगाया है एकदम और वो आत्मसात किया हुआ है। घोटा लगाना अलग होता है कि रट्टा मार लिया, ये एक होता है आत्मसात किया है, आत्मसात किया है। वर्ल्ड कप चल रहा है भैया, चौके छक्के मार रहे एकदम विराट कोहली टाइप आते ही छक्का मारा और जाने के पहले भी छक्का मारा तो बाउंड्री आज का मैन ऑफ मैच कौन है? मिस्टर विभोर विभोर सिंह, सिंह मिस्टर विभोर सिंह। आज उनको मैन ऑफ द भैया मैच का पद, वो जो है एक अवार्ड नवाजा गया है वाह इतना सामूहिकता ग्रैंड की तरफ से, सामूहिकता ऑनर की तरफ से। बहुत सुंदर, भैया ये तो, ये एक्चुअली आपके सेशंस से ही जो चीजें निकल के आई हैं, तो उसी को आत्मसात किया, तो उसी से फिर रिप्लाई भी निकल के अपना आप ही आया है। और बिल्कुल जो हम, जो आयशा ने जैसे किलो की बात की, तो शायद कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन, जो जागरूक, हम लोग तो इस प्लेटफॉर्म पे आके जागरूक हो रहे हैं और दूसरों को भी एक जागरूक सेकंड बीच में करने लगे। रोकूंगा जसलीन, 10 मिनट के लिए बढ़ा देना, 10 मिनट्स के लिए। ओके विभोर की बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ विभोर बताइए, एंड होने वाला है ना ये। जी भैया, मैं ये बोल रहा था कि जो किलो वाला एग्जांपल दिया जो थी, वो बहुत अच्छा एग्जांपल था कि हम लोग पूरी लाइफ में, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी भर किलो वाला टोकरा या किले अपने अंदर समा के रख। कमाल का सेशन है। जसलीन तुम YouTube पे भी बता सकती हो, हौसला क्या मिलेगा, बताओ, सारे हौसला मिलेगा। मुझे मतलब पकड़ खाली इतना पकड़ बता के दो पूछेंगे सामान खो गया है और तुम खुश हो मैं खुश नहीं हूं, मैं बैलेंस्ड हूं, मैं खुश भी नहीं हूं मैं झूठ नहीं कहती आई लॉस समथिंग वेरी एक्सपेंसिव एंड मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंस थी उसकी, पर अब वो खो गया है फाइनली मेरी बेवकूफियों की वजह से। तो अब मैं ठीक चल रही हूँ आपके सामने हूँ प्रियंका से शेयर कर रही थी तो कहती कितनी दयालु बनोगी और तो ऐसा मेरे अंदर आज का ये एक्सपीरियंस रहा। आज सुबह ही घटनाक्रम घटित हुआ जब मुझे पता चला कि अरे छूट गई ये चीज मुझसे हाँ, ओनरशिप बदल गई ये सोच लो। ओनरशिप बदल गई एग्जैक्टली। और अब वो इतनी सारी चीजें डिजास्टर चल रहे हैं ना वर्ल्ड में, मतलब हाँ इजराइल का तो बहुत वो दिखने को हार्ट रेंचिंग है, ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है, इतना बकवास है, टेक एवरीथिंग नथिंग ऐसा वाला होगा एकदम। नथिंग बिलोंग्स टू अस। दैट्स ट्रू। हाँ विभोर प्लीज कंटिन्यू। जी भैया, तो वो जो नुकीली जो कीले थी वो हम सबके अंदर हैं और हम जागरूक नहीं हैं, इसलिए हमें उनका अनुभव भी नहीं होता और हम उनको पूरे जीवन भर उनको ढोते रहते हैं। वो हमें भी चुभती हैं और साथ में दूसरों को भी चुभती हैं, तो उसमें दोनों को परेशानी होती है, हमें भी परेशानी होती है। फिर हम धीरे धीरे अपना आपको ढाल लेते हैं, अरे ये तो कीले हमारी हैं, और चुभ रही हैं तो थोड़ा सा चुभती हैं, फिर ज्यादा भी चुभती हैं, तो फिर हमें आदत पड़नी शुरू हो जाती है और फिर वही कीले हम, जितनी हमें चुभती हैं फिर दूसरों को भी उससे ज्यादा चुभती हैं हमारे कीले। तो चुबाते हैं हम बाहर तो, की, खुशी खुशी चुबाते हैं जी गुस्से में। जी भैया, तो बाहर की दुनिया में शायद अभी तक इसकी जागरूकता ही नहीं है कि लोग पूरे जीवन भर अपनी ये कीले जो हैं
कैरी करके लेके जाते हैं, खुद भी चुभती हैं उनको, दूसरों को भी चुभाते हैं। तो ये भी एक अच्छा जरिया है इस प्लेटफॉर्म का कि उस जागरूकता तक, उस छोटी छोटी चीजों की जागरूकता हो जाती है जो हमें भी परेशान करती है और दूसरों को परेशान करती है। और वो टोकरा जो आपने बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उसमें मैं एक चीज, छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, जैसे आपने जो बताया है, तो कि वो पीछे वाला जो भाई रुकना तो है ही नहीं, क्योंकि पीछे भी आ रहा है, तो YouTube वाले जो हैं दूसरे लोग, वो भी कहीं ना कहीं से आके जुड़ी रहे हैं, वो भी उसी लेन में आ रहे हैं, तो फिर वो पुशिंग तो चलती रहेगी पीछे से। और उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कोई थका भी होगा, कोई गिर गया होगा, तो उसको भी सहारा मिल जाएगा, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये भी था कि जब हम उस सुरंग के बाहर निकल जाएंगे तो जो दुनिया हमें मिलेगी, हम पीछे वालों को देखेंगे, अच्छा ये टोकरा लेके चल रहा था या हम भी टोकरा लेके चल रहे थे, तो हमारा तो खैर छूट गया है, तो हम दूसरे लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपके पास ये टोकरे में सामान है, छोड़ दो इसको और आप हमारे साथ इधर आ जाओ। तो हम उसको वो ज्ञान जो हम हमें मिला होगा, तो हम उसको बांटने का हमें मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा कि हम उस ज्ञान को दूसरों को बांटे, जिससे कि उनका भी जो टोकरा है, जो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि इस टोकरे में क्या क्या भर के लेके बोझ लेके चल रहे हैं, तो उसका कम से कम उनको बताया जाए कि आपके पास बहुत सारा बोझ है, आप इसको छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ उससे, जिससे कि उनका जीवन भी मतलब एक आनंद की तरफ आ जाएगा, और वो उस जो पूरा जीवन भर में जो उनके दुख हैं, और वो दुख को वहीं पे छोड़े जा सकते हैं वो। पता है वो जो टेकरा ना टोकरा वो लेके नहीं चल रहे, वो बेचारा चिपका हुआ है, वो हटा नहीं सकते अपनी मर्जी से। लेकिन ये जो सुरंग है, ये घटती हुई की जो हाइट वाली सुरंग है, ये अपने आप टोकरे को नीचे फेंक देती है। छोड़ता कोई नहीं है क्योंकि चिपका हुआ है ना, चिपका के लेके आए थे, चिपका के पैदा हुए, तो टोकरा लेकर पैदा हुए हैं और उसमें सामान भरा हुआ है, वो भी लेके पैदा हुए हैं, तो अपने आप से नहीं छूटता, अपने आप से कोई निकालता नहीं, गिराता नहीं है, ये तो रगड़ रगड़ के खुद ही गिर और जब हटता है तो भैया दर्द भी होता है। जाता है। हाँ वो तो जाहिर है भाई, खाल खाल पे चिपका हुआ जब हटेगा तो थोड़ा सा पेन देगा, पर जब हट जाएगा तो बड़े खुश होंगे, हाय अच्छा है छूट गया, कितने हल्के महसूस कर रहे हैं, कहाँ से उठा के चल रहे थे हम तो कब से। ये खासियत है इस टोकरे की, अपने हाथ से कोई नहीं हटाता है, हटा दिया जाता है, हटवा दिया जाता है मजबूरी में ये तो सही बात आपने बोली, कोई हटाता नहीं है, ना, हटवा दिया जाता हटवा दिया जाता है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है, अपने भीतर की गुफा में प्रवेश कर जाओ और चलना शुरू कर दो। सबके भीतर में गुफा है, और ये जो गुफा में चलना है उसका एक मुहाना है। गुफा से, गुफा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खुलती है ये मैं बता सकता हूं, बताओ कहाँ खुलती है ये गुफा और कहाँ से शुरू होती हाँ, हृदय हृदय है? से खुलती है, संसार पे ए बताओ बताओ, स्लेब प्रियंका ने ये बताया। का क्या से स्टार्ट खुलेगी और एंड आत्मा पे होगी, लेफ्ट लेफ्ट आज्ञा से स्टार्ट होगी और एंड अपनी आत्मा पे होगा, इसका एकदम स्रोत तक जाएगा। और लेफ्ट आज्ञा में घुसने का रास्ता कहाँ है, कहाँ से मिलता है रास्ता लेफ्ट आज्ञा में घुसने का, हृदय कहाँ से? से, हार्ट से, हार्ट से लेफ्ट आ गया और फिर सहस्त्रार से लेफ्ट आ गया, कनेक्ट करके हम घुसते हैं उसमें। सहस्त्रार से शक्ति मिलती है और सॉरी मैं सेंट्रल हार्ट से बताती, एक्सेस मिलती है। हाँ सहस्त्रार दोनों से पावर मिलती एनर्जी। है और सेंट्रल हार्ट से एक्सेस मिलती है। सेंट्रल हार्ट में दरवाजा है इस गुफा का। हार्ट से शुरू होके हार्ट पे खत्म, पहले सहस्त्रार की शक्ति मिलती है आपको, उस शक्ति की शक्ति पाकर आप उतरना शुरू करते हो, उसमें घुसते हो अंदर, और फिर जाके उसका मुहाना खुलता है, तो पता लगता है अरे ये तो पूरी तरह खिले हुए कमल पे बैठे हैं हम, यानी कि मुहाना सहस्त्रार ही है। हम्म,
यहाँ पे ही तो मुक्त होते हो, लेकिन एक्सेस कहाँ मिलती है? हृदय से। अब जिनके हृदय में जागृति नहीं आती उनको इस गुफा में घुसने की एक्सेस भी नहीं मिलती। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों कहा था सेस्त्रार और सेंट्रल हार्ट को कनेक्ट करो इसी इसी गुफा में घुसने की एक्सेस के लिए। वरना एक्सेस नहीं मिलेगी, दरवाजा हृदय में ही है। और लोग सोचते हैं हृदय में नीचे की तरफ उतरना है, पर ये आपको लगेगा नीचे उतर रहे हो पर जा ऊपर रहे होते हो, ये इसकी ब्यूटी है। और अंधकार इसलिए है क्योंकि लेफ्ट आ गया है, रोशनी नहीं है इसमें, अंधकार युक्त गुफा है। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पैर में भी चोट लग जाएगी, कभी वो पैर गड्ढे में पड़ जाएगा, पर एक विश्वास होता है भैया आगे और पीछे चलने वाले लोग हमें बचा लेंगे, खींच लेंगे हमें, क्योंकि हमारे आगे वाले का पैर भी अगर गिर गया कहीं तो उससे आगे चलने वाला पकड़ लेता है उसको और पीछे वाला ऊपर को धकेल देता है निकालने के लिए, पुश कर देता है। तो अंधकार वाली गुफा हमारा लेफ्ट आ गया, जसरी ने बिल्कुल परफेक्ट बताया। और जब हम चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं तो फिर पता लगता है मुहाना तो आ गया हमारा एकदम चकाचक रोशनी और आनंद। अब कोई कहे यार उल्टी बात कर रहे हो, शस्त्रार्थ तो खुल गया था, अब कैसे हुआ? पे खुला था माँ की ऊर्जा देने के लिए, अच्छा शस्त्रार्थ खुला और शस्त्रार्थ खिला तो खुलने से खिलने तक की यात्रा है, समझ पाए बात? पूरा तो नहीं खिला था ना, पूर्णतया है ना, खिलना। खुला और खिला, खुला और खिला, अंतर कितना है दोनों में? बजने वाला हो रहा। है अंतर? हाँ भैया, हाँ खुलने से तो एनर्जी मिली यस, और खिलने से एकदम शस्त्रार्थ, शस्त्र कमल दल खिल गया। जी और जब खिले तो मुक्त हो गए। बिल्कुल, वो जो सुंदर मैदान है, सुंदर मैदान है जो एकदम आनंद देने वाला, वो मैदान है उसका नाम है मुक्ति। मुक्ति नाम का मैदान, वहां पहुंच जाते हो आप। है उल्टी बात लगेगी लेकिन है बिल्कुल सीधी बात। श्री माता जी ने क्या कहा था याद करो, एक बहुत पहले श्री माता जी ने क्या बोला था कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ जाती हैं, याद आया लेक्चर? हाँ इनवर्ड। अब समझ में आई बात मेरी? जड़ें ऊपर की तरफ हैं, उल्टा वृक्ष है ये, जिसके थल तो नीचे की तरफ हैं और जो शाख जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ हैं। तो जब आप जड़ तक पहुंच जाते हो तब आप मुक्ति नाम के मैदान में पहुंच जाते हो, क्योंकि पोषण भी हो रहा है ना भाई, जड़ों का पोषण तो धरती से होता है, तो इस वृक्ष की धरती है मुक्ति अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से परे रहने वाली शक्तियां इस जड़ों को सींचती हैं, और आपके आत्मज्ञान का जो वृक्ष है ये हरा भरा होने लगता है। ये वृक्ष है आत्मज्ञान का, विभिन्न प्रकार के आनंददायी फल लगते हैं इसमें, और ये वृक्ष ऐसा है इसमें अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं, एक प्रकार के फल नहीं है यहाँ पे। जैसे आजकल कुछ वैज्ञानिक जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट कुछ ऐसे प्रयोग करने लगे हैं कि एक पेड़ पे अलग अलग किस्म के फल उगा रहे हैं, वो उसे कलम लगा लगा के उसमें पता लगा आम के पेड़ पे सेब भी उगा हुआ है, अखरोट भी, आड़ू भी लगा हुआ है, ऐसा प्रयोग मैंने देखे हैं। एक ही वृक्ष पे अलग अलग प्रकार के पेड़ मतलब पौधे लगा वो लगाने शुरू कर दिए हैं, फल उगते हैं अलग अलग प्रकार के मैंने देखा है।
उसकी छाल छीलते हैं, छाल छील कर और किसी भी फल का एक वो लेते हैं पौधा, उसकी छाल छीलते हैं, फिर तो छाल की टेपिंग कर देते हैं, वहां से एक ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच में धीरे धीरे करके वो वाला फल लग जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब एक ही आम के पेड़ पे अलग अलग प्रजातियों के आम उगा दिए, अलग कोई और चीज उगा दी, ऐसा चल रहा है प्रयोग आजकल। तो ये तो अब चल रहा है, पर परमात्मा ने तो पहले से लगा के भेजा हुआ है, एक उल्टा पेड़ जिसमें नीचे की तरफ फल है और ऊपर की तरफ जड़े हैं, और जब आप इस जड़ तक पहुंचते हो तब आपको पता लगता है आप तो खिले हुए सहस्दल कमल पे विराज गए हो। याद आई मेरी वो अनुभूति जो आत्मा और कुंडली की बात में रहस्य खोला था, आत्मा ने कुंडली को एक रहस्य बताया था ना अनावरण में, याद आया? नहीं। मैं भी तो तेरा हाथ पकड़कर दौड़ लगाता हूं, और विराज कर सहस्त्रार सिंहासन पर अर्धनारीश्वर कहलाता हूं। अब याद आ गया होगा, तो सिंहासन है वो सहस्दल, खिले हुए सहस्दल कमल का है, जो पूर्ण प्रकाशित है, उसकी बहुत अच्छी महक है, उसकी 1,000 खुशबू है, 1,000 पत्तियां हैं तो 1,000 खुशबू है। ये है असलियत। तो ये जो सुरंग है आपको यहीं ले जा रही है। अब जो YouTube पे बात समझ रहे हैं, तो इस बात को आश्वस्त हो जाएं कि आप जब चल रहे हो तो खिले हुए सस्त्रार पे बैठने वाले हो आफ्टर सम टाइम। अब कोई कहेगा भाई हमें कैसे पता लगेगा मुहाना आ गया, बताओ कैसे पता लगेगा मुहाने आ गया या मुहाने के पार पहुंच गए? हम जितना ज्यादा मुक्त फील कर रहे हैं। अगर आप मुक्त हो, जितना सामान था उसके गिरने का कोई आपको तकलीफ नहीं है, जितना सामान था उसको दोबारा पाने की अभिलाषा नहीं है, तो आप समझ लेना मुक्त हो। और ओके आप बैठ गए हो सहस्दल कमल के ऊपर, आप भी अर्धनारीश्वर से कम नहीं हो, आप ही तो अर्धनारीश्वर हो। पर मुझे एक चीज पूछनी है। हमारे नहीं, पास तो इतनी चीजें हैं, हो सकता है इस चीज के लिए नहीं ललक रहे, पर हमारी कोई और चीज छूट रही है तो उसमें हम ललक हो रही होती है। हमें तो मुक्ति पूरे एक साथ नहीं आएगी ना, किस्तों किस्तों में आती है, स्टेप बाय स्टेप में लगती है आती है। मुक्ति। मैं यही कहना चाह रही थी कि मानो एक इंसिडेंट हुआ, उसमें हमें फील हुआ कि हम अटके हुए हैं, एक इंसिडेंट फील हुआ कि हम फ्री हैं, फिर कभी लगा नहीं हम इसमें अटके हैं। टोकरे का सामान एक साथ नहीं गिरेगा ना, धीरे धीरे गिरता हुआ जाएगा। ओके, तो जो मुक्ति की जो फीलिंग है वो भी डिग्रीज में ही बढ़ेगी, जैसे हमारा आनंद है डिग्रीज में बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेजुअल है, इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम बटन दबाते ही आप मुक्त नहीं हो जाते हो, ग्रेजुअली यू फील रिडेम्पशन। एक चीज मुझे भी बात करते करते ऐसे ध्यान आ रही है, जिस भी पर्सनालिटी में जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होगा सामने वाले को वही रिफ्लेक्ट करेगा ना। मतलब अगर मेरे अंदर कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हर एक को वही कॉमन चीज दिखती है, ऐसे ही होता है ना। अक्सर अक्सर ऐसा होता है। और चूंकि जो दिख रहा है वो उसका खुद का एस्पेक्ट भी तो है, अगर खुद का एस्पेक्ट नहीं होगा तो दिखेगा भी नहीं ना। या वो सीख कर रहा होगा अच्छा अगर किसी को ये पता है कि ये तेरी नाक है तभी तो दूसरे की नाक समझ में आ रही है, अगर अपनी नाक का ही नहीं पता तो दूसरे की नाक का कैसे पता लगेगा? बताओ, हाउ विल अंडरस्टैंड, हाउ विल आइडेंटिफाई नोज?
अगर एक बच्चा है, बच्चे को ऐसी जगह पहुंचा दो जहां पे कोई नहीं है, माँ बाप भी नहीं है उसके, तो उसको क्या पता लगा ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, उसे तो मालूम ही नहीं कोई। माँ बाप बताते हैं तो उसे समझ में आता है ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, हालांकि उन चीजों का इस्तेमाल वो पहले से ही कर रहा है पर उसे मालूम नहीं है। हाँ अब समझ में आया कि हमें बताया जा रहा है तब हमें पता लग रहा अगर ना बताया तो कुछ नहीं पता लगता, अंधकार में ही रहते। अंधकार में तो जी रहे थे। और यहां दो प्रोसेस हुए, बताया भी गया और अनुभव भी कराया गया, तो कंफर्म हो गया हाँ नाक ही है, ऐसा होता है नाक के अंदर, दिख तो रही है पर अंदर क्या होता है पता ही नहीं, अनुभूति से पता लगता है हमें कि नाक में ऐसा होता है, कभी धूल चली जाएगी, कभी नाक में जुकाम लगेगा तो पता लगेगा, भाई जुकाम कान में तो होता नहीं, नाक में ही होता है। अब कोई कहे जुकाम मेरे पैर में हो गया, अब जिसे बच्चे को पता ही नहीं होगा जुकाम मेरे पैर में हो गया, मेरे घुटने में जुकाम हो गया है, जसलीन कह सकती थी ना तुम अगर बताया नहीं जाता तो। यस हाँ कह सकती थी। और अपनी रिस्ट को पकड़ के कह सकती थी ये मेरा दिमाग है, ये मेरा दिमाग है, ऐसा कह सकती थी ना, क्योंकि बताया गया है तभी समझ में आया है। और माँ बाप बचपन से नहीं पढ़ाते बेटा ई फॉर आईज, टच करके बताओ दिस इज आईज, बच्चा छोटा सा कहेगा आईज, वो अपनी उंगली रख के दिखाएगा आईज पे, नोज तो अपनी उंगली नाक पे रख के दिखाएगा, ऐसे पढ़ाया गया धीरे धीरे करके श्री माता जी के द्वारा, तब हम थोड़ी चीजें समझ पाए। मैं कैसे पता लगता, हमें पता लगा छींक तो आ रही होती पर पता नहीं लगता कि छींक नाक में आ रही है कि टांग में आ रही है, क्या पता क्या कहें इसको, क्या कहें, नाम तो पता नहीं। फिर वोकैबलरी नहीं आती। अब यही हाल था हमारे अंदर, इतने सारे चक्र और देवी देवता हैं तो हाँ लापता थे सारे, बताया गया तो समझ में आते हैं कि ये चक्र है, इसमें श्री कृष्ण जी बैठे हैं, इसमें राम जी बैठे हैं, इसमें हनुमान जी बैठे हैं, नहीं अब हम फट से बता देंगे भैया लेफ्ट आज्ञा में क्या है, बताएंगे लेफ्ट आज्ञा में कौन है, लगाते महावीर जी हैं, बताया गया है। और फिर मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है पता कैसे चलेगा, बता तो दिया कैसे पता लगेगा, है बताओ, चलो क्वेश्चन कर ही देता हूं, महावीर जी लेफ्ट आज्ञा में श्री माता जी ने बताया, हमें कैसे पता कि वही है, क्या लक्षण है उनके, कैसे हमें पता लगेगा वो महावीर जी हैं हमारे अंदर। एनर्जी के रिस्पॉन्स से पता चला है, पहले ना तो एनर्जी का हमने रिस्पॉन्स तो है सुना पर हम एनर्जी को हम महावीर जी कैसे कह सकते हैं, लेफ्ट आज्ञा में कोई और शैतान की एनर्जी भी हो सकती है ना। उनके जो मतलब उनकी जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स होंगे वो हमारे अंदर भी तो आएंगे। तो महावीर जी की पर्सनालिटी का ट्रेट क्या था, भैया हमारे अंदर क्षमा का भाव आना शुरू हो जाएगा, परिलक्षित होगा महावीर हमारे जी ने व्यवहार क्षमा करना में। कहाँ सिखाया हमें, नहीं, ये बताओ रिएक्शन सी बताओ 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 राकेश जी आप ही बता दो, महावीर जी ने हमें क्या सिखाया। जी क्षमा का बताया है सर, क्षमा का महावीर जी विश्वास, ने हमें सिखाया, परमात्मा पे विश्वास करना, किसी भी चीज की गुलामी ना करें, मतलब हमें कंडीशनिंग्स खत्म होने लग जाएंगी। बहुत सही बता रहे हैं आप लोग, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेट है श्री महादेव श्री महावीर जी का, अदम्य विश्वास ईश्वर पे, इसीलिए तो बैठ गए थे भैया खिला पिला तू ही मुझे खिला, मैं तो नहीं खा कुछ करूंगा खाने के लिए, बैठ गए थे जंगल में एक जगह, मैं तेरी साधना में रत हूं, तुझे भोजन वोजन का प्रबंध खुद ही करना होगा, मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं परमात्मा की संतान हूं, और विश्वास का जो
अदम्य विश्वास अगर किसी के अंदर है तो उसके भीतर में महावीर जी जागृत हैं। है नहीं बात सही? ऐसे पता लगेगा महावीर जी जागृत हैं। अदम्य विश्वास जो कोई डिगा ही ना सके, राक्षस भी आ जाए, शेर भी आ जाए, सांप भी जहरीला आ जाए, हमें विश्वास हो ठीक है प्रभु आपकी जैसी मर्जी, जो आप करोगे ठीक ही करोगे, मारोगे या जीवित रखोगे आपकी मर्जी, मैं क्यों डर के रहूं सांप से और बिच्छू से और इससे उससे, मैं सामना करूंगा पर मैं इन्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मुझे बचाना है तो तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। जंगल में ऐसे तो बैठ गए थे, जंगल में तो सांप बिच्छू कितने जहरीले कीड़े मकोड़े और उसके बाद जानवर हिंसक जानवर होते थे, और वो तो बैठ गए शांति से अकेले। तो हिंसा अगर डिफेंसिव सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाए तो हमसे हिंसा हो जाती है, हम हिंसा कर पाते हैं। अब मान लो सांप आ गया, हम मार देंगे उसको डर के मारे, पर महावीर जी ने क्या दिया कि मुझे कोई डर भी नहीं है, काट ले पर तुझे ही रक्षा करनी है मेरी, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं इन्हें मारूंगा नहीं। ये कितनी बड़ी चीज महावीर जी ने हमें दी। तो क्षमा नहीं सिखाई उन्होंने, उन्होंने निर्भयता प्रदान की आपको। आपको विश्वास के साथ, अगर आप अदम्य विश्वास के साथ हो तो आप निर्भय हो। यूं तो निर्भयता की देवी हमारे मध्य हृदय में है, लेकिन वो निर्भयता स्वरक्षण के रूप में है, लेकिन ये निर्भयता विश्वास के रूप में है, अदम्य विश्वास। आपके आवाज चली गई थी। अगर निर्भयता की देवी हमारे अंदर है, यूं तो निर्भयता की देवी हमारे अंदर है मध्य हृदय में, लेकिन वो निर्भयता स्वरक्षण से संबंधित है, स्वरक्षण। लेकिन यहां जो निर्भयता है, यहां विश्वास से संबंधित है, अदम्य विश्वास कि मैं तो परमात्मा की संतान हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बिगाड़े या ना बिगाड़े मुझे चिंता नहीं। ये अदम्य विश्वास, ये महावीर जी की देन है। यदि आपके अंदर है ये चीज तो आपका, आपके भीतर में श्री महादेव जागृत हैं, श्री महावीर जी जागृत हैं। तो उन्होंने विश्वास का प्रतिपादन किया है, आपके सिस्टम में डाला, इसीलिए वो आगे लेफ्ट आज्ञा में बैठाए गए, आदि नाड़ी पे बैठाए गए। यानी कि आदि नाड़ी का मतलब बैठाने का क्या होता है कि मानव का पहला जन्म जब हुआ उस वक्त उसकी जो स्मृति थी, पहले जन्म का मानव की स्मृति थी कि तू तो परमात्मा की संतान है। पहली बार जो जन्म हुआ है उसको तो पता ही है तू परमात्मा की संतान है। तो ही इज कैरिंग, महावीर जी इज कैरिंग द सेम, या हम ये कहें, अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, श्री महावीर जी मानव की, मानव के प्रथम अवतरण का ही पुनर्जन्म है। प्रथम मानव के अवतरण का पुनर्जन्म है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पहले जो जन्म लेके आया उसे पता है तू भगवान की संतान है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो उनका इनकारनेशन, वो इनकारनेशन है फर्स्ट ह्यूमन के जो अर्थ पर आया, क्योंकि फर्स्ट ह्यूमन कौन हुआ भैया? फर्स्ट है ह्यूमन कौन हुआ? श्री महावीर जी, यानी कि अवतरण है ना उनके, पुनर्जन्म है, पहले मानव के पुनर्जन्म है। यानी कि कई बार भी जन्म लिए हुए इन्होंने, बारंबार बारंबार, लेकिन महावीर जी के रूप में जो स्थापित हुए हैं वो मेरे अंदर की चेतना के मुताबिक वो प्रथम मानव के पुनर्जन्म है, इसलिए उन्हें पहले दिन से ही पता है मैं परमात्मा की संतान हूं। अब इधर बुद्ध पे आ जाइए, बुद्ध को नहीं मालूम था मैं कौन हूं। तो बुद्ध किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम जैसे लोगों को, हमें मालूम ही नहीं हम है कौन। तो देखो और जी को इंटरेस्टिंग बात, शार्प कंट्रास्ट, एक तरफ बैठे हैं महावीर जी
मानव के पुनर्जन्म और दूसरी तरफ बैठे हैं बुद्ध, जिनको पता ही कुछ नहीं है कि मैं कौन हूं, वो खोजने में निकल रहे हैं और पीठ से पीठ लगा के बैठे थे, फिर भी पता कुछ नहीं। कितना अंतर है, एक ही जगह है पर अंतर कितना जबरदस्त है। पर अगर मैं ये कहूं कि एक नाटक खेला गया, कि जानने की प्रक्रिया से गुजारा गया ताकि अन्य मानवों को एक प्रेरणा मिले कि भैया तुम भी जानो, मैंने भी ढूंढ ढांड के जाना और तुम भी जानो, तो वो एफर्ट एफर्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव है। नो योर सेल्फ वाला जो एफर्ट है उसके वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बुद्ध हैं। और फिर उन्होंने क्या एक मंत्र दिया, बुद्धम शरणम गच्छामी। क्या हुआ कि जो जागृत हो जाता है वो शरण में चला जाता है। हु इज बुद्धा? द पर्सन एनलाइटेड हु इज एनलाइटेंड। जो एनलाइटेंड है वो शरणागत है, उन्होंने समर्पण की तरफ ले गए कि अगर आप एनलाइटेंड हो तो समर्पित हो, आपको अलग से समर्पण समर्पण चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कहना पड़ता माँ हम समर्पण करते हैं, माँ हम समर्पण करते हैं, आप तो ऑटोमेटिकली समर्पित हो जाओगे जैसे ही एनलाइटेंड हो गए। फिर हृदय से कहोगे बुद्धम शरणम गच्छामि। रीवा शरणं गच्छामि, ये भी भजन है। है ना? पर हाँ उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया एक जर्नी का, जर्नी ऑफ नोइंग थाई सेल्फ। और बीच में बैठे हैं महावीर, वो जीसस आ गए, वो दोनों को ही जानते हैं। कहता है भाई कोई तुम्हारा उद्देश्य उद्देश्य नहीं है, तुमने जन्म लिया है केवल एक काम के लिए। वो बता रहे हैं तुमने केवल एक काम के लिए जन्म लिया है, अपने को जान लो। जीसस ने कहा अपने को जान लो, ठीक है। बुद्ध ने प्रक्रिया करके दिखा दी और महावीर जी ने कहा जब तुम ये जान जाओगे तो तुम्हें पक्का विश्वास हो जाएगा तुम परमात्मा की संतान हो, फिर इधर उधर डोलोगे नहीं, फिर विकल्प में नहीं जाओगे। महावीर जी कौन थे? जो निर्विकल्प का प्रतिपादन करते, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ निर्विकल्पा। नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मैं संतान हूं बस, मैं तो बैठ गया, मुझे कुछ काम नहीं करना है। ठीक। और फिर बुद्ध ने करके दिखाया, देखो ऐसे ऐसे मैं घूमा हूं, ऐसे ऐसे मैंने कोशिश की है और अंत में मैंने सारे एफर्ट त्याग दिए, तब मुझे पता लगा, तब मुझे ज्ञान हुआ। ये बुद्ध ने हमें सिखाया। इधर जीसस ने बता ही दिया। फिर जीसस ने क्या कहा, अरे तुम रिवेंज वेवेंज लेने के चक्कर में पड़े हो तो ये जानने का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, अपने को जानो तो ऑटोमेटिकली क्षमा का उदय होगा, आपको क्षमा करना ही नहीं पड़ेगा, या क्षमा कर दोगे तो आपके लिए अपने को जानने का रास्ता खुल जाएगा। दोनों चीजें पूरक हैं एक दूसरे की। क्षमा करो तो अपने को जानने का रास्ता खुल जाएगा, या अपने को जानने की तरफ चलो तो ऑटोमेटिकली क्षमा का उदय हो जाएगा। नहीं? कितनी बढ़िया चीज बताई। और फिर पीछे बैठे हैं आपके जी महागणेश, बिल्कुल बैक साइड में, बैक आज्ञा में बैठे, कह रहे हैं अरे कितना कचरा भर रखा है तुमने, इससे बदला लूंगा, उससे बदला लूंगा, इससे ये करूंगा, छोड़ो ये सब कूड़ा है, कूड़ा करकट है। वो कह रहे हैं जीसस की बात मान लोगे, अपने को मानने की तरफ चलोगे तो ऑटोमेटिकली इस कबाड़ को उठा के फेंक दोगे, जैसे दिवाली पे आदमी कचरा फेंक देता है बाहर निकाल के, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कचरा फेंकना शुरू करो, कचरा फेंकना शुरू करो तो अपने को जानने का रास्ता इधर से भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के घूम फिर के क्या आता है, ये जो कचरा इकट्ठा कर रखा है यही बाधा है अपने को जानने में।
तो चारों के चारों आज्ञा के जो देवी देवता है देवता है आपको ये बता रहे हैं। आज समझ में आ गई होगी पूरी बात, ये काय काय को बैठे हुए और क्यों क्यों बैठे हैं ये, क्यों जी भैया। आक्रोश भरा है ना। महागणेश ने कहा छोड़ो छोड़ो आक्रोश को लेके क्या करोगे, ये तो कूड़ा है, ये तो ओके डस्टबिन डस्टबिन डाल रखा है तुमने, एक इतना इकट्ठा कर रखा है कूड़ा, फेंक क्या हो इसे। या तुम जीसस की बात मान के अपने को जानने की तरफ चलो तो कूड़ा अपने आप फेंक दोगे, या मेरी बात मान के कूड़ा फेंक दो तो भी अपने को जान जाओगे, क्योंकि यही कूड़ा तो बाधा है अपने को जानने में। तभी मैंने टोकरे के सामान की बात करी, तो टोकरे का वही सामान है जो इकट्ठा कर रखा हमने पीछे। कितनी दूषित भावनाओं को इकट्ठा करके बैठे हैं, इसने हमारे साथ ये किया, इसने हमारे साथ ये किया, इसने ये किया, इसको हम ये कर देंगे, है ना भावनाएं। और ये आड़े किसके आ रही है, जानने नहीं दे रहे हम अपने आप को, हमें जानने में बाधा बन रही है सारी बातें। तो आ चारों आज्ञाओं का पर्दाफाश हो गया, समझ लो इस बात को अच्छे से। पर हम इन देवी देवताओं की बात भी नहीं कर रहे, हमने ये सारी सुनी है, मैं फिर वहीं आ जाता हूं, ये तो हमने सुना है, माँ ने बताया है, पर हम अनुभूति की तरफ जाते हैं, अनुभूति की तरफ। अनुभूति क्या है, अपने को जानने की प्रक्रिया, खोज की इच्छा, ये अनुभूति है। अदम्य विश्वास ईश्वर के प्रति, ये भी एक अनुभूति है। क्षमा का भाव पैदा हो रहा है, ये भी एक अनुभूति है। और कचरा उठा के फेंक रहे हैं, दिल कर रहा है कचरा उठा के फेंक दे, या कचरा बहुत है, ये अनुभूति है। हम सारे देवी देवताओं को एक सर ही ठकर देते हैं, अनुभूतियों पे आ जाते हैं, तो अनुभूतियों से भी हमें समझ में आ रही है ना चीजें। अनुभूतियों के आधार पर भी हम अपने स्टेटस को जान सकते हैं। चलो आप ये बता दो, 4 मिनट रह गए हैं, अभी भी कितने लोगों के अंदर, हम में से कितने लोगों के अंदर बदले की भावनाएं हैं, उसको हम ठीक कर देंगे, उसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसने हमें बड़ा सताया है कोई भावना शेष। ये नहीं आता मेरे अंदर, आता है उसने मेरे साथ गलत किया, ये तो आता है, ये ऐसे नहीं चाहिए था, ये गलत किया उसने। ये आता है ना गलत किया, हाँ ये आता तो बात वहीं आ है। जाती है। तो छुपी हुई प्रतिक्रिया क्या है, हिडन हिडन रिएक्शन क्या है, ये एक हिडन रिएक्शन है, इसने मेरे साथ गलत किया है, इसका सीधा मतलब है भगवान इसकी अकल ठिकाने लगा देना है, ये हाँ हिडन हिडन रिएक्शन है ये। यस यस यही है, मैं कबूल है, कबूल तो कबूल है। अभी बैक आज्ञा की समस्या है ये, है ना। बहुत लंबा यात्रा है और सामान फेंको। नहीं लंबा नहीं है, चलते चलो अपने आप गिर जाएगा सामान। हाँ मैं तो सोच रही थी मैं फगीवनेस के रास्ते पे चल रही जब हूँ। हम इस चीज को फील करने लगते हैं ना, इसने हमारे साथ बुरा किया है, तो हम तो कहेंगे भाई हम कह रहे हैं पर कह नहीं रहे हैं, इसके पीछे छुपी भावना है, भगवान इसकी अकल ठिकाने लगा देना, इसको ऐसी सजा देना, ऐसी सजा देना। हाँ पर इसी बात में एक एडिशन है, अगर हम ये फीलिंग अपने लिए नहीं कर रहे, खुद की इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए नहीं कर रहे, यदि हम पूरे समाज के लिए कह रहे हैं ये बहुत दुष्ट इंसान है, राक्षस है, इसे नष्ट कर देना, तो ये रिटेलिएशन की फीलिंग नहीं है, ये यहां पुण्य का काम हो रहा है, आप पुण्य की तरफ जा रहे हो। अगर आप ऐसी स्थिति किसी, जैसे अपने अपने जो सबसे बड़े दुष्ट इंसान के लिए हम कहते हैं परमेश्वर इसे ऐसी सजा देना, दुनिया याद रखे वो हमें नहीं पीड़ा है, हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, पर हम देख रहे हैं अन्य लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है, तो ये वाली पर चीज अगर हमारी जैसे जो, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, जैसे मेरे साथ कोई अन्याय हुआ, ठीक है, वो मासेस की प्रॉब्लम है, वो आमतौर पे उस लेवल पे जो लोग हैं वो दूसरों के साथ ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही ना, मतलब ना मन में तो। ना ना ना, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए,
अगर तुम अच्छा देख रही हो, थॉट अगर प्रोसेस तुम देख रही हो कि किसी और के साथ अन्याय हो रहा है, तब तुम ये भाव रख रही हो, लेवल तो पे। ओके, ये फिर एक बहुत अच्छी फीलिंग है, गुड है फीलिंग। तो मेरे मेरे साथ वालों मेरा सपोर्ट करो मैं दोबारा कर लूंगी यहाँ पे फिर बिजनेस हो गया है, यहाँ पे भी एक लोभ है। मैं मजाक कर रही मुझे थी पता है बहुत बारीक चीजें हैं, इफ यू अंडरस्टैंड दीज सटलिटीज वी विल डेफिनेटली अंडरस्टूड बी फ्रीड फ्रॉम ऑल सच कचरा। इट इज ऑल रबिश, कचरा है बिल्कुल। 1 मिनट रह गया है, पहले ही जय श्री माता जी बोलता हूँ, सब मत बोलना, सुन लेना बस खाली, क्योंकि इतनी देर में कहते कहते ये मिनट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन रहा होगा, हालांकि इस सेशन के मैन ऑफ द मैच तो हो गए विभोर, पर आप सबको भी आनंद आया होगा। बहुत से लोगों ने बॉलिंग की है, बहुत से लोगों ने बैटिंग की है, किसी ने फील्डिंग भी की है, सबको मजा आया होगा इसमें। क्यों? क्योंकि यस इसमें सब शामिल मजेदार। है और सबके एफर्ट अप्रिसिएबल है। चलो चलिए, अलग ही अगले सेशन में मजा देखते हैं, अगले सेशन में कौन सी यात्रा होती है। तो आज की आया, यात्रा समाप्त होती है। तो बहुत आनंद आया भाई आप राकेश गुड जी, नाइट। महावीर जी की बात समझ गए ना आज की तारीख में? राकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको रहस्य समझ में आ गया?